वेलकम टू माय चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। एक नई वीडियो के साथ चलिए आज की पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है और जिन्होंने अभी पेंटिंग स्टार्ट करना सीखा है वो भी इस डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लावर्स को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश विद साइज़ 0 लिया है और फ्लावर्स में डिटेल वर्क देने के लिए मैंने वहाँ पर राउंड ब्रश विद साइज़ 0 का यूज़ किया है। आपको हर फ्लावर में डिफरेंट कलर्स का यूज़ होता दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लावर में मैंने सिरुलिन ब्लू कलर का यूज़ किया है। ये एक बहुत प्यारा सा कलर है और बहुत खिलकर भी आता है और इसमें मैंने वाइट कलर को ब्लेंड किया है। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड फ्लावर के लिए मैंने पर्शियन ब्लू कलर को चूज़ किया है। इस कलर को भी मैंने फ्लावर की पेटल्स में अच्छी तरह से सबसे पहले स्प्रेड किया और फिर उसमें मैंने वाइट कलर को ब्लेंड किया है। आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट होगी कि हर फ्लावर में मैंने शेडिंग को बहुत डिफरेंट दिया है क्योंकि हर फ्लावर का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत डिफरेंट है, सो उस वे में उनकी शेडिंग भी डिफरेंट होगी। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। थर्ड फ्लावर को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर तीन कलर्स का यूज़ किया है। सबसे पहले जो मेन कलर आता है हमारा वो लेमन कलर है। लेमन कलर को मैंने फ्लावर में अच्छी तरह से सबसे पहले स्प्रेड किया और उससे फ्लावर का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। फिर मैंने उसमें वाइट कलर को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया है फ्लावर के सेंटर में और उसको भी थोड़ा थोड़ा स्प्रेड किया है और इससे हमारा थर्ड फ्लावर रेडी होता है। फोर्थ फ्लावर में भी मैंने यहाँ पर सिरुलिन ब्लू कलर का यूज़ किया है और सिरुलिन ब्लू कलर में मैंने वाइट कलर को यहाँ पर ब्लेंड किया है। फिफ्थ फ्लावर को यहाँ पर मैंने पेंट किया है रेड कलर के साथ। रेड कलर से सबसे पहले मैंने फ्लावर को शेप दी है और फिर मैंने उसमें हल्का सा लेमन कलर का यूज़ किया है। आई होप कि आज की पेंटिंग आपको बहुत सुंदर लग रही है और आप ये पेंटिंग अपने प्रोजेक्ट्स में ज़रूर ट्राई करेंगे। इस पेंटिंग में ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर पेंट किया है लाइट ग्रीन कलर के साथ और उसमें बाद में भी मैंने हल्का सा डार्क ग्रीन कलर से थोड़ा सा शेडिंग दिया है और इससे हमारे ब्रांचेस बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ को इतना सारा प्यार दे रहे हैं जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है।
आप मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। अभी भी मुझे पेंटिंग थोड़ी सी अधूरी लग रही थी, इसलिए मैंने स्मॉल फ्लावर्स को पेंट करना स्टार्ट कर दिया। इन फ्लावर्स को मैंने पेंट किया है वाइट और येलो कलर के साथ, और बीच में हल्के हल्के से डॉट्स लगाए हैं, और इससे हमारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।